चलिए बनाते हैं साबूदाना के पापड़ जो बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बनके तैयार होते हैं। पापड़ बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 1 कप साबूदाना। उसमें हम 1.5 कप पानी डाल के 2 से 3 घंटे के लिए उसे अच्छे से भीगने के रख देंगे। 3 घंटे के बाद आप देख सकते हैं साबूदाना अच्छे से फूल चुके हैं। भीगे हुए साबूदाना को हम कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लेंगे और जिस कप से मेज़र करके हमने 1 कप साबूदाना लिया था उसी कप से 7 कप पानी इस कढ़ाई में डाल देंगे। मीडियम फ्लेम पे इसे 25 मिनट तक अच्छे से बीच में चलाते हुए पका लेना है। 25 मिनट के बाद आप देख सकते हैं साबूदाना जो है वो ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं फूल के, और पानी अभी थोड़ा पतला है लेकिन ठंडा होने के बाद ही गाढ़ा हो जाएगा। ठंडा होने के बाद आप देख सकते हैं मिक्सचर काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। अब इसे हम ग्राइंडर में पीस लेंगे। आप बिना पीसे पीसे पापड़ बना सकते हैं, जिसे जैसा पसंद हो। थोड़ा थोड़ा करके हम सारा मिक्सचर ऐसे ही पीस लेंगे और स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। सारा मिक्सचर पीस चुके हैं, अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून काला नमक। आप इसमें रेड चिली पाउडर, रेड चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। पापड़ बनाने के लिए ये कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। तो चलिए पापड़ बनाना शुरू करें। एक शेप के पापड़ बनाने के लिए हम चूड़ियों की मदद से बना सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है। आपको बस थोड़ा सा बैटर चूड़ियों के बीच में डालना है और उसे अच्छे से फैला देना है। इसी तरीके से बाकी चूड़ियों के बीच में हम बैटर डाल के उसे अच्छे से फैला लेंगे। ये पापड़ हम प्लास्टिक की शीट पे बना रहे हैं। अगर आप प्लास्टिक की शीट पे नहीं बना रहे, किसी और चीज़ से बना रहे हैं, तो उस पर ऑयल ज़रूर ग्रेस कर लें। अब आराम से हम सारी चूड़ियों को निकाल लेंगे और इसी तरीके से बाकी सारे पापड़ भी बना लेंगे। पापड़ को हम धूप में 2 से 3 दिन के लिए अच्छे से सुखा लेंगे। आप पंखे के नीचे भी सुखा सकते हैं। हमारे पापड़ सूख चुके हैं, अब चलिए इसे फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए एकदम हॉट ऑयल में हम इसे डालेंगे और आप देख सकते हैं पापड़ कितना छोटा सा था और फ्राई करने के बाद उसकी साइज़ भी बड़ी हो गई है। इसी तरीके से आप अपने पापड़ तल सकते हैं और आपका जब मन करे तल के खा सकते हैं। और ये बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी पापड़ बन के तैयार होते हैं। इसको ज़रूर ट्राई करिएगा।